जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। तो फिर एक तरफ तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती, और दूसरी तरफ जो मृत्यु हो रही है वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो फिर ये कैसा खेल है, कैसा राज है? आत्मा जब अमर है तो फिर मरता कौन है? आत्मा जब अरूपी है तो फिर बोलता कौन है? श्वास कौन लेता है? खाता कौन है? तो ये सब करता कौन है? क्योंकि शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से आत्मा को न देख सकते हैं, न बता सकते हैं। तो इसका जवाब है, न केवल आत्मा श्वास लेती है, न केवल शरीर श्वास लेता है। आत्मा एवं शरीर जब दोनों का संग होता है, तब प्राण शक्ति के द्वारा सांस लिया जाता है। इसी तरह से न केवल आत्मा खाती है, न ही केवल शरीर खाता है। दोनों के संयोग से प्राण शक्ति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। न केवल आत्मा बोलती है, न केवल शरीर बोलता है। दोनों के योग से प्राण शक्ति पैदा होती है, वो प्राण शक्ति बोलती है। इसी तरह से आत्मा अमर है द्रव्य रूप में, किंतु पर्याय के रूप में वो मरती भी है। आत्मा का शरीर त्याग, मरण एवं नया शरीर धारण जन्म है। तो इस तरह से आत्मा और शरीर के मिलन से जो प्राण उत्पन्न होता है, उससे ये सारी क्रियाएं होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।